तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैं अपने मटेरियल बताने हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपने स्केचेस में, ड्राइंग्स में जो यूज़ करता हूँ। तो ये बहुत लोएस्ट प्राइस के हैं, तो मैं अब जल्दी बताना स्टार्ट करता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आती है हमारी ग्रेफाइट पेंसिल्स जो हमें शेडिंग में काम आती हैं। तो मैं ग्रेफाइट पेंसिल मैं पेंसिल यूज़ करता हूँ। एक तो मैं 8 लाइन की पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो 8 लाइन की पेंसिल इसमें आपको मिल जाएंगी, लाइटेस्ट से डार्केस्ट तक की पेंसिल मिल जाएंगी। तो सबसे लाइटेस्ट होती है HB पेंसिल। तो ये HB पेंसिल इस पर लाइट होती है, और सबसे डार्क होती है 10B पेंसिल। तो आपको कम से कम ये 6 ग्रेड की पेंसिल मिल जाती है 8 लाइन की में। और इसका रेट ज़्यादा नहीं है। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। और दूसरी पेंसिल आती है हमारी डॉम्स की पेंसिल। तो मैं इसको अभी खोल के दिखा देता हूँ। तो ये हमारी पेंसिल, उसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो इसमें भी आपको मिल जाएंगी 6 ग्रेड मिलेंगे आपको। इसमें भी HB से लेकर 10B तक है, तो उसमें भी लाइटेस्ट से लेकर पूरी डार्केस्ट तक पेंसिल है। तो ये तो ग्रेफाइट पेंसिल। अब मैं अगला मटेरियल बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारी मैकेनिकल पेंसिल। तो उसमें मेरे पास एक मैकेनिकल पेंसिल है सेलो सुप्रीम पेंसिल, 0.5 mm की है पेंसिल। तो भी आपको ये नॉर्मली मैं इसको आउटलाइन के लिए यूज़ करता हूँ, शेडिंग के लिए। और ये इसके साथ एक लीड आती है 0.5 की, तो ये सेलो की है। तो ये थी मैकेनिकल पेंसिल्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारी नेक्स्ट इरेजर्स। तो ये सबसे पहले हमारे पास एक नॉर्मल सी इरेजर आती है जो आपको नॉर्मल किसी दुकान में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हमारी नीडेबल रेजर। तो इसको हम ये बिल्कुल क्ले मान लीजिए, बिल्कुल क्ले वाली रेजर है। तो इसको ये किसी से पे नॉर्मल हमारी हो सकती है। तो मैं जैसे आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, किसी से भी हो सकती है। अगर आपको पतली करनी तो सामने से पतली कर सकते हैं, मोटी करनी तो आपको मोटी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारी ये अप्सरा की मैकेनिकल पेंसिल। तो ये छोटी जॉब है और लाइन मिटाने के लिए बहुत काम आती है। और इसके साथ एक ये लीड डलती है, ये रेजर की लीड डलती है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे ब्लेंडिंग स्टम्प्स। तो पेपर स्टम्प से इसे हम ब्लेंड कर सकते हैं जो हम शेडिंग करते हैं। तो उसमें आपको मैं दिखाया था निकाल के। तो उसमें भी छोटी बड़ी जगह के लिए, जैसे कि ये सबसे छोटा है, ये आपको सबसे छोटी जगह पर आप ब्लेंड कर सकते हैं। वैसे ही बाकी भी है बड़े बड़े जगह पर, तो आपको ये ब्लेंडिंग स्टम्प मिल जाएंगी। नो में आपको यहाँ 50-60 रुपीज में मिल जाएंगी। तो मैं आपको नेक्स्ट मटेरियल दिखा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे ब्रशेज, और ये भी ब्लेंडिंग में काम आते हैं। तो एक तो ये नो में आपको ब्रश कहीं भी मिले थे 5-10 रुपीज़ में, तो मेरे को 5 रुपये का मिलता, किसी दुकान में मिल सकता है आपको। और ये एक है हमारा, ये भी हमारा एक ब्रश है, और ये बड़ी जगह बहुत कम आता है। तो अभी ये मेरी मम्मी का पुराना ब्रश रखा हुआ था, तो मैं वही ब्रश ले लिया है। तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। बहुत से ब्रश है, आप इसको अपनी मम्मी से ले सकते हैं या फिर आप किसी शॉप में से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा सैंड पेपर। तो सैंड पेपर हमारे काम आता है, जैसे कि ब्लेंडिंग स्टम्प्स है। ये ब्लेंडिंग अगर गंदे हो जाए तो हम इस पर घिस के साफ कर सकते हैं, तो उसके काम आता है। तो मैं आपको नेक्स्ट मटेरियल बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारी पेंसिल एक्सटेंडर। तो ये हमारी जो जैसी छोटी पेंसिल, जैसे कि ये वाली पेंसिल है, ये 8B पेंसिल है, जो हमारी ऐसी छोटी पेंसिल हो जाती है, तो हम उसको यहाँ पर लगा के आराम से कर सकते हैं। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो नॉर्मल पेंसिल को आगे ऐसे में डालना, जो छोटी जगह होती है उसका भी जो ये इसको हमें ऊपर तक करना है, जैसे टाइट रहे। उसके बाद नो आपको कहीं भी चले देंगे तो आपका निकलेगा भी नहीं, तो मैं कहीं ऐसे आप शेडिंग कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे वाइट जेल पेंस। तो आपको ये नॉर्मल आप कहीं भी हाईलाइट कर सकते हैं, आई में आप रिफ्लेक्शन के हाईलाइट कर सकते हैं, बालों में रिफ्लेक्शन के हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट के बहुत काम आते हैं ये। तो आपको नेक्स्ट मटीरियल बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे परमानेंट मार्कर। तो आपका ये मैं अपनी वो कलिंग ड्राइंग्स में मैं ऊपर से आउटलाइन के लिए ये इन मार्कर्स यूज़ करता हूँ। तो भाई, एक तो ये है, ये मोटे मार्कर्स हैं, तो फैट मार्कर्स ये है, और ये रोइटो कंपनी के हैं। और दूसरे ये हैं, तो ये मेरे पास दो कंपनी के मार्कर्स हैं। पहला है कैमलिन कंपनी का, और दूसरा है पेंटल कंपनी का। तो ये मेरे पास पतले और मोटे दोनों में, आपको दोनों कहीं भी दुकान में मिल सकते हैं, 10-20 रुपीज़ के आते हैं। तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे डोम्स के स्केच कलर्स। तो ये स्केचिंग में बहुत कम ये कलरिंग में काम आते हैं। आपको मैं कई बार देख रखा है मेरी वीडियोस में आप मेरे को करते हुए, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। टोटल आपको मिल जाते हैं इसमें 24 शेड्स मिल जाते हैं। तो आपको तभी आपको नॉर्मल किसी दुकान मिलेंगे 100 रुपीज़ में,
तो ये है डोम्स की स्केच कलर्स। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट मटेरियल इस जगह स्केच कलर। तो मैं आपको अभी अंदर दिखा देता हूँ। ये मैं डब्बा मैंने स्टोर करने के लिए इसमें रखा है, आपको अंदर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हमारे स्टिक्स के कलर्स, स्टिक स्केच कलर्स की मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी, आपको याद होगा तो आपने वीडियो देखी होगी। तो फिर ये नॉर्मल आप ये भी नॉर्मल आपको 250 रुपीज मिल जाएंगे आराम से। तो ये आपको मिल जाएंगे 24 शेड्स, ये भी 24 शेड्स हैं। सो फ्रेंड्स, आज के बस इतने मटेरियल। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।